क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडो और डैश, यहां पर आपको उस देश का नाम बताना है। इंडो और उस देश का नाम वर्किंग ग्रुप की 8वीं वार्षिक बैठक आभासी रूप से 16 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है जर्मनी। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जर्मनी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। कनाडा, कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। ओटावा कनाडा की कैपिटल है, ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसकी जो करेंसी है ये है कनाडियन डॉलर। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है यह है कैनबीरा, और इसकी जो करेंसी है यह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बात करें स्पेन की, स्पेन की जो कैपिटल है यह है मैड्रिड, और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी है यूरो। अब बात यहाँ पे जर्मनी की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है जर्मनी, यूरोप में है जर्मनी। ये ऊपर इसकी कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन कैपिटल है। यूरो जो है ये इसकी करेंसी है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट ये भी जर्मनी में है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी। देखो इसको सिंपल भाषा में समझें, ये स्टूडेंट की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण ये स्टार्ट किया जाएगा आसाम की सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आसाम। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया था। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था। गोवा की बात करें, पानी बचाओ योजना ये गोवा की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब बात कर लेते हैं आसाम का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम की सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया था। जुड़ीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अब असम की लोकेशन देखिए आप, उससे पहले असम का और करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को स्टार्ट किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कौटी बिहू त्यौहार असम में बनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उनियन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया है। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप असम की, ये है असम की लोकेशन। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश, इन दो देशों के साथ आसाम की जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं लोकसभा की, 14 सीट राज्यसभा की, 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आसाम में स्थित हैं। दो और भी नेशनल पार्क हैं। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। देखो असम के अंदर एक इम्पोर्टेंट डांस है बिहू डांस। ये तीनों हिल्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में दिल्ली पुलिस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाया 75वां स्थापना दिवस।
यानी थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में गुरु रविदास जयंती की, मतलब गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई 645वीं जयंती। फोर्थ क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन सही आंसर है। किस देश ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की, तो ये किस देश ने की, ये की मलेशिया ने, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मलेशिया। मलेशिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, ये इसकी कैपिटल है। इसकी हम करेंसी की बात करें तो मलेशियन रिंगेट, ये इसकी करेंसी है। सऊदी अरेबिया की बात करें, रियाद जो है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, इसकी करेंसी क्या है, सऊदी रियाल, सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। फ्रांस की बात करते हैं, पेरिस इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस की कैपिटल भी देखो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, क्या है, मनीला, जहाँ पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, और इसकी करेंसी क्या है, पीसो, ये आप याद रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, मलेशिया। मनी का बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है ये है टेनिस से, यानी सिक्स क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, टेनिस। किस राज्य ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया है। लोकेशन देखें आंध्र प्रदेश की, यह है लोकेशन। तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हैदराबाद कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। टोटल भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं, 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट अमरावती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 सीटें हैं और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन सिरी साइलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों आंध्र प्रदेश में हैं। पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलेरू लेक, कुम्भम लेक, ये सभी लेक्स ये आंध्र प्रदेश में इम्पोर्टेंट हैं। एट्थ क्वेश्चन, कृषि में डीजल की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का, यानी एट्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है, तो ये बनी है दिल्ली पुलिस। नाइन्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है, दिल्ली पुलिस। टेंथ क्वेश्चन, फरवरी 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय श्रोत्रिया, सी ऑप्शन जो है ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस देश के प्रधानमंत्री ने 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया। के वी राजेंद्रनाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन, 12 फरवरी 2022 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी जयंती मनाई गई। पांचवा क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश का, मतलब पहला देश कौन सा बन गया है। छठा क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किसको सीबीएसई का अध्यक्ष प्रभार सौंपा गया है। तो इन देखो ये 6 क्वेश्चन थे जो कल हम से पूछे गए थे, इसका आंसर क्या था, वेत जोशी। और पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसराइल। चौथे का क्या था, 198। थर्ड का क्या था, 15 फरवरी। सेकंड का क्या था, आंध्र प्रदेश। और फर्स्ट का था, कनाडा। ये क्वेश्चन हमारे हमसे मतलब कल पूछे गए थे।
और ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मेदाराम जत्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश ने किया? थर्ड क्वेश्चन, किस देश ने अपना नाम बदल दिया है और उस वो जो नाम बदला गया है वो भी आपको बताना है क्या नाम रखा गया है। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी कहाँ स्थापित करेगी? फिफ्थ क्वेश्चन, नौवीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर है? छठा क्वेश्चन, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।